नमस्कार, खबर बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं वरुण सखा जी। बीते दिनों दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई। पिछले 2018 में करारी हार के बाद से ही भाजपा इस गणित और गुंताड़े में लगी हुई है कि वो किस तरह से छत्तीसगढ़ में अपनी वापसी करे। इस मीटिंग का मकसद यही था। इस मीटिंग में 5 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि ये बिंदु पर सिर्फ चर्चा ही नहीं हुई है बल्कि कुछ फैसले भी हुए हैं। आज का विश्लेषण इन्हीं सब बातों पर। जो हारा उसका नहीं रहेगा कोई सहारा, कटेंगे टिकट। पहला फार्मूला जो भाजपा ने बनाया है, जिस पर कि इस मीटिंग में चर्चा की गई है, वो यह है कि साल 2018 में भारतीय जनता पार्टी के 75 प्रत्याशी ऐसे थे जिनकी करारी हार हुई थी। सिर्फ 15 ही सीटें ही भाजपा इन चुनावों में जीत पाई थी। पार्टी में इस बात पर बड़ी चर्चा हुई है कि इन 75 में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको फिर से टिकट दिया जा सकता है। जब बात की गई तो इसमें निकल कर सामने आया कि सिर्फ 20 से 25 लोग ही ऐसे हैं जिनके टिकट्स फिर से जारी हो सकते हैं, जबकि बाकी 50 से 55 लोग ऐसे हैं जिनके टिकट्स दोबारा होना संभव नहीं लग रहा। इतना ही नहीं, पार्टी के जो 15 प्रत्याशी उस समय जीते थे, जो कि अब 14 बचे हुए हैं, उनमें भी 2 से 3 लोग ऐसे हैं जिनके टिकट्स कट सकते हैं। कोई नहीं होगा चेहरा, लड़ेंगे मोदी के दम पर। जी हाँ, इस बैठक में जो दूसरा फॉर्मूला बना है उसमें यही बात आई है कि छत्तीसगढ़ के अंदर किसी भी एक चेहरे पर भाजपा चुनाव नहीं लड़ेगी। भाजपा का पूरा फोकस मोदी पर होगा, क्योंकि सामने एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो सांस्कृतिक रूप से बहुत डीप रूटेड है। इनको अगर मात देनी है तो मोदी को ही सामने आना होगा। तो इसका मतलब ये साफ हुआ कि पार्टी किसी को भी अपना फेस 2023 में नहीं बनाएगी। इस मीटिंग में जो तीसरी बात सबसे सामने आई है वो ये है कि संगठन में भी बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में हुई कोर ग्रुप की बैठक में ये बात बहुत डिस्कस हुई है कि छत्तीसगढ़ का पूरा संगठन जो है वो बिखरा हुआ है। इसकी इंटीग्रिटी के लिए सबसे पहले छत्तीसगढ़ संगठन पर काम करना होगा। छत्तीसगढ़ के संगठनात्मक बदलाव में सबसे पहले जो काम होगा वो मंडल से शुरू होगा, जो प्रदेश तक आकर थमेगा। ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान रहेगी तो आदिवासी चेहरे के पास ही, लेकिन नाम बदल सकता है। इस बैठक में सबसे ज्यादा जो चर्चा रही वो रही सदन में विधायकों के परफॉर्मेंस को लेकर के। छत्तीसगढ़ के सदन में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के 14 विधायक हैं। इनके परफॉर्मेंस को लेकर के भी लंबी चर्चा की गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सदन में भी पार्टी अपनी ओर से नेतृत्व को बदल सकती है। फिलहाल में ये नेतृत्व ओबीसी नेता धर्मलाल कौशिक के हाथ में है। फिलहाल में जो भाजपा के जो सदन में सदस्य हैं उनमें 4 ओबीसी चेहरे हैं। इनमें एक रंजना दीपेंद्र साहू, अजय चंद्राकर, नारायण चंदेल शामिल हैं। नारायण चंदेल और अजय चंद्राकर अनुभवी हैं। अजय चंद्राकर तो संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं। इस हिसाब से देखें तो उनके पास सदन का अच्छा अनुभव है। कोर ग्रुप की इस बैठक में पांचवी जो बात है वो बहुत अहम है, क्योंकि इसमें ये बात सामने आई है कि छत्तीसगढ़ भाजपा की कमान पूरी तरह से किसी एक सिंगल हैंड में देने की ज़रूरत है। वो सिंगल हैंड कौन होगा इस पर भी चर्चा हुई है। बताया जाता है कि वो सिंगल हैंड ढूंढ लिया गया है और उस सिंगल हैंड को सारी जिम्मेदारी देने पर भी बात हो गई है। अब बस फार्मूला एक तय किया जा रहा है। वो नाम कौन हो सकता है ये अभी फिलहाल में नहीं मालूम है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि वो नाम रायपुर से ही कोई विधायक है। भाजपा की जो पूरी कार्यप्रणाली हम देखते आए हैं, ये सब देखकर ये तो साफ कहा जा सकता है कि भाजपा किसी भी चुनाव को कभी भी हल्के से नहीं लेती, खासकर विधानसभा और लोकसभा के। यहाँ तक कि मुंबई और हैदराबाद जैसी महानगरपालिकाओं में भी भाजपा ने अपना दम दिखाया है। इस हिसाब से अगर देखें तो छत्तीसगढ़ के चुनाव भाजपा के लिए बेहद अहम है। भाजपा नहीं चाहेगी कि छत्तीसगढ़ जैसा राज्य उसकी झोली में दोबारा ना आए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए बने रहिए खबर बेबाक के साथ। नमस्कार।